नमस्कार, आप है निशन भारत के साथ, मैं हूं राकेश। कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार अलर्ट हो गई है। पीएमसीएच में जहां इसके लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, वहीं नेपाल बॉर्डर पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही बिहार के सभी एयरपोर्ट पर यात्रियों की चिकित्सीय जांच भी की जा रही है। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि पटना के RMRI में कोरोना वायरस की जांच की व्यवस्था भी की गई है। इस बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार कोरोना वायरस को लेकर सतर्क में है और बिहार में कोरोना का अभी एक भी मरीज नहीं है, इसलिए लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस को प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने लोगों को आगाह करते हुए अपील की है कि हमेशा हाथ को साफ रखें। यदि खांसी सर्दी बुखार हो तो हॉस्पिटल में जाएं, वहीं कोरोना वायरस का सैंपल भी लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में 48 संदिग्धों की जांच की गई है और सभी के सैंपल निगेटिव मिले हैं। ईरान से आए 14 संदिग्ध को अलग रखा गया है और 13 को लॉकेट किया गया और 2 सप्ताह तक किसी से नहीं मिलने दिया जाएगा। वहीं गोपालगंज के भोरी ब्लॉक का व्यक्ति का पता अब तक नहीं चल पाया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में सजग रहने की जरूरत है, न कि घबराने की। कोरोना वायरस को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि राज्य सरकार इसे लेकर गंभीर है और इसे रोकने के लिए 3 चरण में काम चल रहा है। पहला, बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं हमारे सभी एयरपोर्ट पर बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग हो रही है, जिसमें अभी तक कोई भी जो इफेक्टिव है नहीं मिल पाया है और हर जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। अगर कोई इफेक्टिव सस्पेक्ट मिलता है तो वहां तुरंत भर्ती करने का निर्देश है। इसके अलावा डॉक्टर्स 24 घंटे अलर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक लोगों की हमने स्क्रीनिंग भी की है, लेकिन अभी तक इस वायरस के इफेक्ट नहीं मिले हैं। नेपाल बॉर्डर की बात की जाए तो नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट है। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि नेपाल बॉर्डर को लेकर हमें डर है, क्योंकि पूरा बॉर्डर ओपन है और हमने चेक पोस्ट भी लगाया है हमने, लेकिन ओपन एरिया बहुत बड़ा है। हमने इसके लिए भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट किया है कि नेपाल गवर्नमेंट जो कर रही है उस पर खास नजर रखी जाए। अगर वहां से सही से चेकिंग नहीं होगी तो इसका खामियाजा हमें उठाना पड़ सकता है। तो कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार अलर्ट पर है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया भी अलर्ट है, क्योंकि अब इंडिया में भी इसके मरीज मिलने लगे हैं, पॉजिटिव लक्षण मिलने लगे। इसलिए जरूरत है लोगों को जागरूक रहने की और मास्क पहनकर ज्यादा से ज्यादा इसके बचाव को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं जो जागरूकता है वो होनी चाहिए। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।